हाय फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि। दिस इज भूमिका, यू आर वॉचिंग नर्डी एपी। पिछली बार हमने बनाई थी नवरात्रि स्पेशल खीर, तो इस बार हमने सोचा है कि कुछ नमकीन हो जाए। आज हम बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल टिक्की, जो कि बनाने में जितनी आसान है उतनी ही टेस्टी भी है। हमने एक पैन लिया है, थोड़ा सा जीरा डाल रही हूं मैं। ये देखिए, हमारा जीरा भुन चुका है। अब मैंने इसमें आलू डाले हैं। मैंने आलू पहले ही उबाल के रखे थे, अब उसे मैंने जीरे के साथ भून रही हूं। अब हम साबूदाना डाल रही हूं। साबूदाना और आलू को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूं। ये देखिए, साबूदाना का पानी ड्राई हो चुका है। मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, ताकि जो हमारा जो पोटैटो है वो जो नीचे चिपक रहा है वो ना चिपके। ये ऑयल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा धनिया डाला है, मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। मैं इसमें ग्रीन चिली डाल रही हूँ, ग्रीन चिली पेस्ट डाल रही हूँ। अब मैं इसमें ग्रीन चिली पेस्ट डाल रही हूँ। अब मैं इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ और थोड़ा सा सेंधा नमक। अब मैं सबको मिक्स कर लूंगी। और मिक्स करने के बाद इसे ठंडा होने रख देंगे। ये देखिए, हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब हम इसकी टिक्की बनाएंगे। मैंने ऑयल लिया है, अपने हाथों पे लगा रही हूँ, ताकि जो हमारी टिक्की है वो हाथ पे ना चिपके। टिक्की को गोल रोल कर रही हूँ और इसे अब प्रेस करके रख दिया है मैंने। अब मैं दूसरी टिक्की बना रही हूँ। पहले गोल बनाएंगे एक बॉल की तरह, और फिर उसे हल्के से प्रेस करके। ये देखिए, हमारी टिक्की रेडी है। एक पैन में मैंने ऑयल लिया है। अब मैं एक एक करके इसमें टिक्की को सेकूंगी।
ध्यान रहे ऑयल आप अगर ज़्यादा नहीं खाना चाहते तो आप बहुत ही कम ऑयल डालिए, और गैस को आप मीडियम पे रखिए क्योंकि तेज पे आपकी टिक्की एकदम से फट सकती हैं। मेरे पैन में एक टाइम में मैं 5 टिक्की डाल रही हूँ, आप चाहें तो 4 भी डाल सकते हैं। अब मैं इसे ढक के रख दूंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। मैंने इसे 10 मिनट ढक के रखा है। ये देखिए मेरी टिक्की जो है कितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं ऐसे एक एक करके सभी टिक्की को पलट दूंगी। ताकि हमारी टिक्की दोनों साइड से सिक जाए। अब मैं इसे फिर से ढक के रख दूंगी। ये देखिए टिक्की खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे गरम गरम धनिये की चटनी के साथ या फिर टमाटर की चटनी के साथ खा सकते हैं। आज आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप नवरात्रि पे क्या क्या बनाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, अगर बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।